मुझसे टूटा, मैं इसे तुम्हें बना के वापस भेज दूंगा। इट्स ओके सर, बट इट इज माय मिस्टेक यू का। ओह माय गॉड, ब्लड। एक्चुअली सर ये आपका नहीं, ये मेरा खून। पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा अपना खून है। जो गौरी नजर ना आ रही है कसम से। आय हाय लल्ला, तेरे साथ ही तो मंदिर गई थी ना। हाँ गया तो था मैं। तो फिर बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? हम लोग लौटते समय गौरी को अपने साथ लाना भूल गए। अगर मैं आज सारी रात नहीं आता तो क्या तुम फिर भी यहीं बैठकर इसी तरह मेरा इंतजार करती? अगर आप हमसे कहते हैं ना हम सारी जिंदगी यहाँ बैठकर आपका इंतजार करते। बात ये है टीना कि उस रंजीत ने शुभम से दोस्ती कर ली है। शुभम का तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, पर पता नहीं क्यों आजकल मुझे उसकी खामोशी से भी डर लगने लगा है। ये आदमी अपने आप को युगांक राय कहता है और अपने बाप के नाम की जगह प्रताप राय लिखता है। और हमें लगता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, इसीलिए तुम्हें इसकी सच्चाई का पता लगाना है। इसका मतलब विक्रांत साहब, सबसे पहले मुझे लंदन जाना होगा। लंदन तो तुम्हें जाना ही होगा, तभी तो हम इसके बारे में सारी जानकारी जान पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि तुम्हें उसे ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इसका बाप वहाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इन सारी जानकारियों के बाद में तुम्हें इसके घर में पहुँचने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जानकारी तो काफी है विक्रांत साहब, लेकिन इतनी दूर जाकर इसकी असलियत का पता लगाने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। हम जानते हैं, इसलिए हमने समय की सीमा नहीं रखी है। लेकिन हाँ, जितना भी समय लगा लो, मगर हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए। जैसे इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी, इसकी पढ़ाई, इसकी परवरिश कहाँ हुई थी, इसके परिवार में कौन कौन है। जी विक्रांत साहब, तुम जा सकते हो। देख रही हूँ जिस लाडली को इतना पाल पोस कर पड़ा गया, कितनी जल्दी उसे विदा करने का समय आ गया। और बेटा, मैं जानती हूँ चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। अभी तो बस मेरी सगाई तय हुई है, जानती हूँ, लेकिन सगाई के बाद बहुत जल्द तेरी शादी हो जाएगी। बहुत कम दिन बच गए ना हमारे पास, बस इसलिए क्या हुआ? शादी की बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं मॉम, मैं सोचती थी मेरी शादी होगी, मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन अब घर को
छोड़ के जाने के बारे में सोचती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है माँ। ये दुख का नहीं बेटा, बहुत खुशी का मौका है, समझे? माँ अगर ऐसी बात है तो आपकी आंखों में आंसू क्यों है? ये तो खुशी के है पगली, और ये नसीब वालों को ही मिली। मगर आप ऐसी बात करोगी ना, मेरे लिए इस घर से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पगली, मुश्किल तो हमारे लिए होगी, जिस लाडली को इतना प्यार से पाला है, उसे बस उसे अब विदा कर देना। रो मत बेटा, यही तो हमारी परंपरा है और हमें इसे निभाना है बहुत खुशी से। गुप्ता जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें वही सेट चाहिए जो हमने चुना है। नहीं, आप पहले घर पर भेजेंगे, हमें तसल्ली भी होनी चाहिए ना। जी ठीक है, शुक्रिया। कमाल करते। अरे युगांग, नमस्ते। आओ। अरे आओ, जीते रहो जीते रहो, बैठो। और बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर मैं आपसे कुछ बात कहने आया हूँ। कहो। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने स्नेहा की सगाई की सारी तैयारियां कर ली, लेकिन अगर किसी चीज की कमी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तैयारी तो कर ली है, लेकिन तुमने कहा इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन मुझे खुशी तब होती अगर आप मुझे किसी लायक समझ के काम सौंपती तब। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें कोई काम नहीं सौंपूंगी? इस घर में आने वाले सभी मेहमानों का ख्याल तुम्हें रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो मैं रखूंगा ही, लेकिन उसके अलावा हमें किसी इंसान के कोई एहसान की जरूरत नहीं है। विशेष, जो अपने होते हैं वो अपनों पर कभी एहसान नहीं करते। हाँ, जो अपने होते हैं उनकी बात तो और है, लेकिन जो पराए होकर भी अपनेपन की बातें करते हैं उनका क्या? विशेष, आए हुए मेहमानों से इस तरह से बातें नहीं किया करते। I'm sorry, Dad. You should be. क्या लोगे युगांग? आपके हाथ की कॉफी। अभी ले। मेरे लिए भी ले आना।
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो अपने होते हैं वो अपनों पे कभी एहसान नहीं करते। जो अपने होते हैं वो अपनों पर कभी एहसान नहीं करते। शुभम, स्नेहा की शादी की कोई बात हुई? कामिनी, मुझे लगता है कि स्नेहा की शादी अब जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि मैंने डैड और मॉम को उसकी सगाई के बारे में बातचीत करते सुना है। शुभम प्लीज, मैं सगाई की नहीं शादी की बात कर रही हूँ। कम ऑन कामिनी, तुम तो जानती हो ना कि पहले सगाई होती है और उसके बाद ही शादी। हाँ, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी शादी में बहुत देरी हो रही है? मुझे तो नहीं लगता। अब वैसे भी कहाँ देरी हो रही है, अब देखो ना, उसकी सगाई की बातचीत चल रही है, कुछ ही दिनों में सगाई हो जाएगी, फिर शादी की बातचीत चलेगी, फिर उसकी शादी हो जाएगी और फिर। मैं वही कह रही हूँ शुभम, कि अभी तो सगाई की बातचीत चल रही है, फिर जाके सगाई होगी, फिर शादी की बातें होंगी और फिर कहीं जाकर शादी, तब तक हम। तुम कहना क्या चाहती हो कामिनी? यही शुभम, कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। नहीं कामिनी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है शुभम, तुम खुद ही सोचो ना, स्नेहा की खुशियों के लिए तुम्हारे घर वालों ने अपने दुश्मन के बेटे को भी अपना लिया, पर हमारी शादी किसी ना किसी वजह से आगे बढ़ती जा रही है। देखो कामिनी, तुम इस तरह मेरे घर वालों पे इल्जाम मत लगा। मैं तुम्हारे घर वालों पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ शुभम, बल्कि एक हकीकत बयान कर रही हूँ जो तुम्हारे सामने है पर तुम्हें नजर नहीं आ रही। वरना तुम ही सोचो, क्या स्नेहा की शादी के साथ साथ वो हमारी शादी की बात नहीं कर सकते थे? हमारी शादी की बात कर तो चुके हैं वो, और कितनी बार बातचीत करेंगे वो? देखो कामिनी, मुझे अपने घर वालों से कोई शिकायत नहीं, और तुम ये बार बार शादी की बात लेकर खड़ी मत हो जाया करो। मैं अपने घर वालों के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करूंगा, समझी? शुभम, 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 जस्ट शुभम। आपकी इजाजत हो तो कुछ देर यहाँ पे बैठ सकता हूँ? आवाज़ तो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। हाँ, मैं परेशान हूँ, पर अगर मैं परेशान हूँ तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी परेशानी दूर करूँगा और क्या करूँगा। तुम मेरी परेशानी दूर करोगे? हाँ, हम दूर करेंगे। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, और हम वो लोग हैं जो दोस्ती खातिर जान दे देते। अब ये बताओ कि परेशानी क्या है? वो मेरी परेशानी शुभम को लेकर है। शुभम को लेकर? हाँ रंजीत। एक काम करो, खुलकर मुझे पूरी बात बताओ। तुम जानते हो ना रंजीत, कि मैं शुभम से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, पर आजकल ऐसा लगता है कि शुभम मुझसे उतना प्यार नहीं करता। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? क्योंकि जब भी मैं उससे शादी की बात करती हूँ, या तो वो मुझसे नाराज हो जाता है या फिर वो बात को टाल देता है। अगर यही तुम्हारी परेशानी है तो उसका एक रास्ता है मेरे पास, जिससे तुम्हारा शुभम सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। क्या क्या रास्ता है? रास्ता बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, शुभम को पाने के लिए मैं कठिन से कठिन रास्ते को भी पार करने के लिए तैयार हूँ।
मोहब्बत के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी साथ लेके।